नमस्कार, आप देख रहे हैं अम न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। बीएन कॉलेज में एक दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के भागलपुर नेशनल कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें केमिस्ट्री में प्रदूषण और फिजिक्स में स्पेस से संबंधित विषय पर चर्चा किया गया। वहीं केमिस्ट्री के सेमिनार में TNB कॉलेज के हेड राजीव सिंह ने अपना व्याख्यान दिया। वहीं जर्मनी से दो स्कॉलर डॉक्टर सोनल और डॉक्टर गुप्ता में वर्चुअल मोड पे अपना व्याख्यान दिया। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य अशोक ठाकुर ने बताया कि बीएन कॉलेज में 14 विषयों पर सेमिनार आयोजित होनी है, जिसका आज उद्घाटन सत्र था। इस सेमिनार का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और UGC के तहत आदेश पारित हुआ है कि जितने भी कॉलेज हैं उन्हें नेक से संबंधित होना है, जिसमें बीएन कॉलेज के साथ साथ बिहार के सभी कॉलेजों ने अप्लाई किया था, जिसमें बीएन कॉलेज का ASSR अप्रूव हुआ, जिसके तहत नेक की टीम कॉलेज विजिट करने पहुंचेगी। और सेमिनार का आयोजन किया गया। मौके पर काफी संख्या में छात्र छात्राएं एवं शिक्षाविद मौजूद रहे। अभी राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने और UGC ने ये आदेश जारी किया है कि जितने भी कॉलेज हैं सबका नेक से SSR होना आवश्यक है। इसी कड़ी में BN कॉलेज ने भी अप्लाई किया और BN कॉलेज के साथ बहुत सारे कॉलेजों ने बिहार के अप्लाई किए थे। यह संयोग है कि एकमात्र BN कॉलेज का SSR अप्रूव हुआ और बहुत जल्दी हमारे यहाँ टीम आएगी विजिट करने और BN कॉलेज नेक एक्रेडिटेड कॉलेज हो जाएगा। इसी कड़ी में हमारे यहाँ चूँकि SSR अप्रूवल के बाद प्रत्येक दिन की एक्टिविटी को नेक मॉनिटर करती है कि आपके यहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है, उसी में हम लोगों ने अभी जो फैंसी मैच, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, NSS की एक्टिविटी, प्लांटेशन लगातार हम लोग कर रहे हैं। जर्मनी से कुछ शिक्षक जुड़े हुए थे सर। जी, तो आज हम लोगों ने प्लान किया कि हमारे यहाँ 14 सब्जेक्ट हैं एफिलिएटेड, सभी 14 विषयों का सेमिनार होगा और उसकी आज उसका उद्घाटन था, जिसको ऑनरेबल वाइस चांसलर ने किया उद्घाटन। और उसके बाद